नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट के जरिए कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी की। यूं तो मणिपुर के किसान 2007 से ही जैविक खेती से जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही 2015-16 में सरकार ने मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी की शुरुआत की, ताकि मणिपुर के किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती से जुड़ सके। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। मणिपुर राज्य को प्रकृति वातावरण से पर्याप्त गर्मी सर्दी के मौसम को बचाने के लिए एवं रसायन के कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से हानि वाले समस्याओं से बचाने के लिए सन 2007 से मणिपुर में जैविक खेती की क्रांति शुरू हुई, परंतु इससे शक्तिशाली प्रभाव नहीं डाल सके। इसके बाद सन 2015-16 से भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्थिक सहायता के अंतर्गत मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन योजना के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन मणिपुर की दृष्टि से मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन नाम का एजेंसी रजिस्टर कर राज्य के किसानों के जैविक खेती पर बल देना शुरू हुआ। जैविक खेती का मतलब है रसायन के बिना उगाकर भूमि के मिट्टी में मृदा का स्तर पर एक ही प्रकार के हवा पानी मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचाए बगैर एक नियम का पालन कर किसानों द्वारा चलना जैविक खेती कहलाता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को चुने हुए पौधों का अच्छे पौधे एवं बीज देने से लेकर पौधों को सही तरीके से लगाकर अच्छे जैविक प्रमाण पत्र पर्याप्त प्रदान का उत्पादन करवाने के साथ साथ उत्पादित पदार्थ पर्याप्त प्राइमरी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग और बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना साथ साथ किसानों की आय सुधारना है। सन 2015-16 में स्वीकृति दी गई इस योजना ने सन 2016-17 में मणिपुर में लागू करना शुरू हुआ था। कुल मिलाकर पहले फेज के लिए 5000 हेक्टेयर पूरे मणिपुर के लिए उठाया गया स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चुने गए 60 फसलें हैं, कृषि के लिए चाहाओ यानी ब्लैक राइस और हॉर्टिकल्चर के लिए 6 फसलें हैं। इस स्कीम में हॉर्टिकल्चर और कृषि मिलकर 5000 हेक्टेयर में लगाया गया। कुल 5000 किसानों को इस स्कीम के नीचे फायदा पहुंचाया गया। जैविक मिशन में फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि क्लस्टर FIG 250 बनाने के साथ 500 किसानों से बना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPC 10 बना सके हैं। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए अलग अलग एजेंसी नहीं तो 4 सर्विस प्रोवाइडर लगाकर काम करते हैं तथा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करने के लिए वन शर्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड नामक का एजेंसी से सहायता लेकर करवाते हैं। इस प्रकार जैविक मिशन में पहले रूप में 7 प्रकार के फल पौधों पर कृषि करना शुरू किया। वे हैं चाखा, अदरक, तमिलनुंग संतरा, हल्दी, कचाई लेमन, किंग चिली तथा अनानास, ये सब है। इस जगह के कई किसान पहले से ही किए गए खेती के ढंग के अनुसार चलाकर बड़ी संख्या में उत्पादन कर अदरक को किसी समय सड़क यातायात असुविधा और सही बाजार ना होने के कारण सरने गलने से
बचाने के लिए एक प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट यानी इसमें आवश्यक पड़ने वाले बायो ऑर्गेनिक हीट या ड्रायर, वॉशर, स्लाइसिंग, पल्वर्सर, सीलर, ये सब चीजें भी मिशन का अधिकारियों ने उन्हें सौंपा। राज्य में लगाने वाले जैविक अदरक जनवरी से मई तक हर साल लोगों को प्राप्त करवाते हैं। तमिलनोंग संतरा या मैंडरिन स्वादिष्ट मीठा लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाला एक प्रकार का नारंग है। यह संतरा रसीला ही नहीं बल्कि रस 100 में 40 से 50 प्रतिशत होने वाला जैम जेली जूस बनाने में ज्यादा जचने वाला एक फल है। जैविक खेती के तरीके में अभी अभी 400 हेक्टेयर भाग जगह में कई किसान द्वारा कृषि कर अधिक उत्पादन करने का प्रयास चल रहा है। इस जिले में उत्पादन किए गए संतरे अक्टूबर से फरवरी तक हर साल प्राप्त होते हैं। हल्दी एक अनिवार्य खाद्य वस्तु होने के ऊपर पहले से बीमारी एवं त्वचा को सुंदरता के मिश्रण बनाने में एक महत्वपूर्ण पौधा रहा है। इस पौधे के जिले के उत्पादन राज्य के जिला यानी उखरुल, नोने एवं काक्चिंग पहाड़ी जिलों में लगभग 600 हेक्टेयर में जैविक कृषि तरीकों से उगाकर उत्पादन कर रहे हैं। इस जगह में मोमा द्वारा लगवाए गए हल्दी के प्रकारों में लकादोन और मेगा वन किस्म का है। अभी तक निरेमा के द्वारा गुवाहाटी एवं दिल्ली में सूखा हल्दी 5 मेट्रिक टन निर्यात कर किसानों को कई लाभ पहुंचाने के अलावा बाहर के खरीदारों द्वारा खरीदने के लिए ऑर्डर करना शुरू हो गया है। खेत से निकाले गए हल्दी राज्य में हर साल फरवरी से अप्रैल तक विस्तृत मात्रा में मिलते हैं। कचाई नींबू उखरुल जिले के कचाई के अलावा अन्य स्थानों में प्राप्त न होने वाला अनोखा नींबू है। आज यह नींबू जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई रजिस्ट्रेशन पे टैग करके रखा गया। अभी अभी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत अच्छे पौधे देखकर लगवाने के अलावा लंबे समय से उगे आ रहे पुराने पेड़ों को सवार कर तैयार करना मिशन का मुख्य उद्देश्य बनाकर आ रहे हैं। पेड़ का फल हर साल नवंबर से मार्च के अंदर प्राप्त होते हैं। किंग चिली या मिर्च राजा संसार के सबसे तीखी मिर्ची में से एक माना गया है। यह किस्म सुगंधित एवं बीमारी के दवाई बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पहले से इस स्थान में उगे आ रहे हैं। इस प्रकार मोमा के नीचे राज्य के पहाड़ एवं मैदानी इलाकों में लगभग 600 हेक्टेयर एक बार में लगाकर अधिकतर उत्पादन करना शुरू हो चुका है। अलग अलग जिलों में मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन द्वारा दो प्रकार के अनानास क्यू और क्विन का अच्छे पौधे देकर जैविक नियमों में खेती कर 600 हेक्टेयर जमीन पर कई फल उत्पादन करते आ रहे हैं। इस काम को उठा रहे राज्यों में सेनापति जिले में 500 हेक्टेयर जमीन पर हल्दी दूसरे फेज के अंतर्गत लग रहे हैं। प्रमुख रूप से तमिलनाडु और नोने जिले, ये दोनों जिलों में कुल मिलाकर हल्दी कम से कम 500 हेक्टेयर जमीन एलोकेटेड करके रखा हुआ है। पूरे मणिपुर के लिए 2 हेक्टेयर जमीन तो हल्दी ने ही पूरी तरह घेर रखा है। सन 2018-19 को दूसरा फेज शुरू हुआ और 3 साल में खत्म होने के कारण 2020-21 में इसका अंतिम सर्टिफिकेट C3 लेकर उस समय फेज 2 में शामिल हर एक फार्मर बेनिफिशियरी को हम 500 या 1000 मिलाकर एक एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर उनको कंपनी में रजिस्टर करके इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में सेल्फ मैनेजमेंट के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आर्थिक सहायता से लेकर काम चलाने की शुरुआत करवा के वे अपने पैरों पर खड़े होने का सस्टेन बनाकर हम उसे छोड़ेंगे। इस प्रकार मोमा द्वारा उठाए गए किसानों के कई फायदेमंद कार्य एवं किसान द्वारा कड़ी मेहनत की वजह से चुने गए फल पदार्थ जैविक स्कोप सर्टिफिकेट C1 और C2
5000 हेक्टेयर जमीन पर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के नीचे ऑर्गेनिक प्रमाण पर देकर एक बड़ा परिवर्तन लाना शुरू हुआ। पहले भाग के उठाने वाले कदम का ये दूसरा साल है। इस संदर्भ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव देने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुशी खुशी इस बार 7500 हेक्टेयर जमीन में फिर से दूसरा फेज के लिए काम करने की सहमति दी है। उत्तर पूर्वी को दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के उद्देश्य से चलाने वाले मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी के साथ हम किसानों को बड़े योगदान के साथ साथ सफल होने का लक्ष्य प्राप्त कर इस राज्य का ही नहीं उत्तर पूर्वी भारत की जैविक होने का सपना जरूर प्राप्त कर सकेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि स्टार्टअप में आइए अब हम आपको मिलवाते हैं एक सफल किसान से। एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है। खेतों में तो महिलाएं अपना हुनर दिखा रही हैं, इसके साथ साथ व्यवसाय जगत में भी वो पीछे नहीं है। ऐसी ही एक महिला है कृष्णा यादव। जिन्होंने पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपने कदम रखे हैं। एक गांव में जन्मी अनपढ़ महिला जिसने बचपन से गरीबी देखी हो, उसके लिए इस मुकाम पर पहुंचना एक सपने से कम नहीं था। कृष्णा यादव के लिए अचानक पति की नौकरी छूट जाना एक बुरे सपने की तरह था, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन गिरकर संभलने की ताकत ने कृष्णा यादव को हार को गले नहीं लगाने दिया। उन्होंने अपने पति के साथ खेतीहर मजदूरी की। तो उस समय पे सब्जियों का दाम हमारा जैसे कि 50 पैसे 1 रुपए किलो उस समय पे ऐसा दाम मिलता था। जब सब्जियों का भाव गिर गए तो किसान की लागत भी नहीं होती। जब किसान की लागत नहीं होती तो किसान सोचेगा कि भाई किसी से कर्ज लिया है तो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से किसान देखे हैं आपने आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हमने उस समय पे भी हिम्मत नहीं हारी। हम कहने लगे मैंने कि भाई इसमें जो मतलब खेती से जैसे पैदा हो रहा है तो हम कभी कभी मैंने जिद करके एक टीवी लगवाया छोटा सा कि आप टीवी लगाओ और बच्चों को थोड़ी जानकारी मिलेगी हमें थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो हम जैसे शाम को बैठ जाते थे देखने तो हम कृषि दर्शन में दूरदर्शन का प्रोग्राम देख रहे थे। तो उसमें दूरदर्शन में प्रोग्राम जो आते हैं जो कृषि दर्शन दिखाते हैं उसमें किसानों का बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो उसमें हमने क्या जानकारी ली कि जैसे किसानों को बोल रहे हैं भाई ये साग सब्जियों का कुछ बन जाता है तो मतलब किसानों को ये सब्जी ऐसे उगाओ सब्जियों पे वो बता रहे सब्जियों पे ऐसे उगाओ इतनी पैदा होगी वो होगी इस तरह से बता रहे। तो मैं कहने लगी मैंने कि इसका कहीं जैसे सब्जी तो उगा ली हमने लेकिन इसका अचार मुरब्बा या कुछ बनता हो सब्जियों का जैसे कुछ बनाते हैं हम इतने अचार खाते हैं दादी के हाथ का माँ के हाथ का। तो मैंने कि हम भी इस तरह से बना सकते हैं शुरू कर सकते हैं अपना सब्जी भी वेस्ट ना जाएंगी हमारी। तो जब हमने इस तरह से सोचा तो हमारे जो फार्म के एक कर्नल साहब है वो कहने लगे कि इस सब्जी में मुझे जानकारी है मैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र लेके चलूंगा वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन खेती में भी कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा। निराशा मानो पीछा नहीं छोड़ रही हो। फिर कृष्णा यादव ने अपने हुनर को दिशा देने का मन बनाया और फिर क्या था समय बदलने में देर नहीं लगी। आज वो समय है जब कृष्णा यादव को पिकल क्वीन के नाम से जाना जाता है। 192 किस्मों का अचार बनाकर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। एक गरीब और अनपढ़ महिला आज बिजनेस टाइकून है। इनकी कामयाबी का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक लंबे संघर्ष जद्दोजहद और लंबी परेशानियों को पार करके कृष्णा यादव ने ये मुकाम हासिल किया है। वो अचार मुरब्बा स्क्वैश आदि बनाती हैं। इनके स्वभाव में इतनी सरलता है
कि आज भी वो अपनी फैक्ट्री की कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करती है। उनके अंदर कुछ सीखने की ललक अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी कुछ नया करने की राह में निरंतर मेहनत करती रहती हैं। कृष्णा यादव उन महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो जीवन में आई कठिनाइयों से सहम जाती हैं। वो उन महिलाओं को तत्पर मेहनत करने की प्रेरणा देती हैं। सड़क से फैक्ट्री तक के उनके इस सफर में ढेरों परेशानियां थी, लेकिन इन्होंने इन सभी कठिनाइयों को दूर रख अपने सपनों पर भरोसा रखा। वो अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ती रही नई सोच और हिम्मत के साथ। कृष्णा यादव को उनके सराहनीय कार्य के लिए बहुत बार कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, और कृषि दर्शन में अब बारी है अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व भर में गहराता जल संकट एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बारिश के पानी को किस तरह इकट्ठा कर उसका संचयन और संरक्षण किया जा सकता है, ताकि वक्त पड़ने पर इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम बारिश का पानी का संरक्षण रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बोलते हैं, वो कहाँ बनाएंगे? उसको बोलते हैं प्रॉपर साइट सिलेक्शन। तो हम कहाँ में साइट सिलेक्शन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। ये एरिया क्या होता है कि ये हमारा कल्टीवेशन में नहीं आ पाता है। हमारा जो एक्चुअली जहाँ में पौधा लगता है वो एरिया में हम इसको बनाने अच्छा नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फील्ड है जहाँ में हमारा बागान है, बागान का कोने में और जहाँ में एक नेचुरल डिप्रेशन एरिया है, सो उसी जगह का हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ में हम क्रॉप नहीं लगा रहे हैं, पौधा नहीं लगा रहे हैं। तो वो बोला है वो पहले प्रॉपर साइट सिलेक्शन ज़रूरी है। कैपेसिटी का जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो होता है कि कमांड एरिया में जहाँ में हम पौधा लगाया है, क्या क्या पौधा लगाया है, कौन सा पौधा लगाया है और पौधा का जो पानी का रिक्वायरमेंट कितना है एक साल में। तो पानी का जो रिक्वायरमेंट एक साल में होता है, 6 महीना तो बारिश होता है और 4-5 महीना बारिश नहीं होता है। उसी रिक्वायरमेंट को लेकर पौधा का हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि कितना पानी का हमारा ज़रूरत है। सो वो पानी आता है हमारा क्यूबिक मीटर में और लीटर में आता है। जैसे एक क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है, तो इसीलिए हम उसको कैलकुलेशन करेंगे कि हमको इतना कैपेसिटी का पॉन्ड बनाना है। हमारे यहाँ में पानी का जो बारिश होता है लगभग 4 से 5 मीटर का बारिश होता है। तो 4 से 5 मीटर मीन्स सब लॉस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसको जानने के बाद, अगर हम 3 मीटर 3.5 मीटर तक हम पोखरी का डेप्थ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि वो बारिश वो जो टैंकी ऑटोमेटिक भर जाएगा। ये जो हमारा एक्सपीरियंस है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पासीघाट में कि वो इतना बारिश होता है अरुणाचल में कि वही बारिश जो इंसिटू रेन कंजर्वेशन होता है वो इसी के वो इंसिटू भी जो पानी आता है उसमें भर जाएगा। तो वह पैसा हमारा बच गया। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया, वो जो गड्ढा बनाएंगे वो जेसीबी में बनाएंगे। जेसीबी के बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे, वो शेप में आने के बाद वो साइड का ट्रैपेज़ॉइडल शेप होता है, वो शेप आने के बाद उसमें क्या करेंगे कि यहाँ में आप देख रहे हैं बहुत पत्थर है। सो पत्थर के ऊपर हम के इसमें वो सीपेज को पानी को नहीं जाने के लिए परकुलेशन के लिए हम उसको क्या करेंगे कि ये जो पॉलीथीन सीट यूज करते हैं इसको बोलते हैं सिल्पोलिन का पॉलीथीन सीट, क्योंकि इसको जो बनाया गया है ये पॉन्ड लाइनिंग मटेरियल के हिसाब से बनाया गया है और ये बहुत स्ट्रांग है एंड ये इट कैन विदस्टैंड द सनलाइट, ये हीट भी विदस्टैंड कर सकता है। सो ये ख़राब नहीं होता है, 6-7 साल तक कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ फिजिकल डैमेज नहीं हो तो ख़राब नहीं होता है। और इसके बाद में हम फार्मर्स भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हम देखा है कि इसका जो थिकनेस होता है मोटा होता है, कितना मोटा का हम पॉलीथीन यूज करेंगे इसमें 250 गेज से शुरू करके 350 गेज का बीच में अगर आप पॉलीथीन यूज करेंगे वो बहुत इकोनॉमिकल होता है और वो पानी को भी रखता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये होता है प्लास्टिक सीट, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिल्पोलिन, एक ब्रांड है सिल्पोलिन सीट और बाज़ार में मिल जाता है हर जगह में। इसमें एक जो अच्छा ही है कि ये जो वेल्डिंग होता है, जितना बड़ा पॉलीथीन का साइज़ देंगे
वो क्या करता है कि कंपनी बना के भेज देता है, ये थर्मल वेल्डिंग होता है वो कंपनी में हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको ही यूज़ किया है। और हमारा जो इंडिया में वो भी HDPE भी यूज होता है। तो हम जो गड्ढा के बाद उसमें क्या करेंगे, जो स्टोन फ्री मिट्टी है जिसमें स्टोन कंकर वगैरह नहीं है, प्योर मिट्टी उसको बोलते हैं, उसका लेयर का कवरेज देंगे। कितना मोटा देंगे, तो अराउंड 2 to 3 inches का हम एक सॉयल का लेयर उसको देंगे। कवरिंग देने के बाद वो एक्सपोजर जो स्टोन से उसको, उसके बाद हम कॉम्पैक्शन करेंगे, ऐसे कॉम्पैक्ट करेंगे। मेरा जो हिसाब है कि मैनुअली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, हमारा जो लकड़ी है, लकड़ी का जो पट्टा मिलता है उसके आप कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद हम उसके ऊपर दो दवाई डालते हैं, एक होता है कि वीडिसाइड, और उसमें क्या होता है कि पाराकोट बोल के एक वीडिसाइड है वो हम, और ग्लाइफोसेल उसको हम डालेंगे, डाल के हम धूप में एक दिन छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, यूजुअली हम फोरेट बोल के जो ज़्यादा गंध मारता है इंसेक्टिसाइड उसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद एक दो दिन धूप में छोड़ देते हैं। उसके बाद नाव हम पॉलीथीन डालने के लिए स्ट्रक्चर रेडी है। उसके बाद जो पॉलीथीन हम जो साइज का मंगाएंगे कंपनी से, वो बहुत बड़ा पॉलीथीन आता है, वो पैकेट होकर आता है, बहुत सुंदर से वो कंपनी भेजता है लकड़ी का अंदर में पैक करके, वो डैमेज नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। सो स्प्रेड करने के लिए हमको मैनुअल लेबर का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में कोई मशीन नहीं है, तो मैनुअली हो जाता है। अराउंड अगर आप 60x30 meter का वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हैं तो उसमें अराउंड 5 to 10 लेबर्स उसी दिन ज़रूरत पड़ता है वो उसको खींचने के लिए, खींच के उसको स्प्रेड करने के लिए। तो जब हम स्प्रेड करते हैं उसके क्या करेंगे, स्प्रेड करने के बाद एक दो फोल्ड हम अंदर में छोड़ देते हैं। ऐसे फोल्ड जो है हम अंदर में ऐसे करके, जो पॉलीथीन है आपका, इसका जो है पॉलीथीन, उसको क्या करते हैं कि अंदर में एक ऐसे फोल्ड करके छोड़ देते हैं, ये फोल्ड ऐसे फोल्ड करके छोड़ देते हैं। आप पूछेंगे कि भाई क्यों फोल्ड छोड़ते हैं, क्योंकि जब पानी उसमें स्टोर होगा वो क्या करता है कि पानी उसको पॉलीथीन को खींचता है। इसीलिए क्या होता है कि एक फोल्ड देने से ऑटोमेटिक जो पानी का जो वेट होता है, प्रेशर होता है, वो पॉलीथीन को खोल देता है, बाद में पॉलीथीन पूरा सेट हो जाता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का है। देन ऊपर में जो हमारा टैंक बन गया है, वो टैंक का साइड में 1 feet by 1 feet का एक ट्रेंच खोदते हैं। वो ट्रेंच के अंदर में जैसे ये पॉलीथीन आ गया, इसको अंदर में घुसा के उसके ऊपर हम मिट्टी दे देते हैं, तो ये परफेक्ट शेप में आ जाता है। आने के बाद पानी भरना शुरू होता है। हमारा अरुणाचल में जो बारिश होता है, हमें पासीघाट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अब मार्च से शुरू हो जाता है बारिश, जब मार्च से शुरू हो जाता है पानी भरना शुरू हो जाता है इसमें। और बाय जून हम ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी जून फर्स्ट वीक तक भर गया। दैट मीन्स इसका जो डेप्थ है, हम अराउंड 2.8 meter डेप्थ रखा है टोटल डेप्थ, और उसमें फ्री बर्ड को छोड़ के हमारा पास जो है इफेक्टिव डेप्थ 2.3 to 4 meter है। सो 2.4 meter का पानी जो है बाय जून फर्स्ट वीक भर गया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो इसीलिए कि हमारे एक्स्ट्रा कैचमेंट का ज़रूरत नहीं है, वो पैसा हमारा बच गया, तो ऐसे करके ये पानी को स्टोर हो गया। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।